कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां हे गोविंद हे गोपाल ब्रज भूमि ही प्राणों से प्यारी लगे ब्रज मंडल माही बसाए रहो रसिकों के समाज में मस्त रहूं जग जाल से मोही बचाए रहो नित बाकी मैं झांकी निहार करूं छवि छाक से नाथ छकाए रहो बिहारी यही विनती मोते नैना तिने ना मिलाए रहो मोते नैना तिने ना मिलाए रहो जय जय श्री राधे। मैं हरिनाम दास चंद्र सागर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने नामोपचार चैनल में। आजकल हम सब एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं जिसको सुधारने की परम आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम इस भूल को सुधारेंगे नहीं तब तक हम अपने जीवन में परम सुख और परम शांति का अनुभव नहीं कर सकते। मेरे परम पूज्य परम गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि यदि आप किसी ब्लैक बोर्ड पर केवल शून्य बना दो, दो शून्य चार शून्य और ऐसे अनगिनत शून्य बना दो, तो क्या उन शून्यों का कोई मोल है, कोई कीमत है? जब तक उन शून्यों से पूर्व एक उर्ध्व लकीर न खींच दी जाए। यदि हम एक लाइन खींच देते हैं और उसके बगल में यदि शून्य लगाते हैं तो 10 उसका मूल्य हो जाता है, 2 शून्य बना देते हैं तो 100 और 3 में 1000 और इसी प्रकार 10,000,00,000,00,0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 00,
लाइन कौन सी है और वो शून्य क्या है। तो हमारे परम गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो जो लाइन है ऊर्ध्व लाइन, वास्तव में हमारे जीवन का परम केंद्र है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही संपूर्ण मानव जीवन का केंद्र बिंदु हो जाना चाहिए। जब तक मानव यह अवधारणा अपने हृदय में न मान ले कि हमारे जीवन की प्रत्येक घटना हमारे गोविंद का विधान है, श्री कृष्ण का नाम लेकर श्री कृष्ण का हृदय में चिंतन करके यदि हमारा हृदय द्रवीभूत नहीं होता, हमारा चित्त यदि पिघलता नहीं, हमारे नेत्र यदि सजल नहीं होते, हमारा मन यदि गलता नहीं, तो अभी हमारे भजन में कोई कमी है। हम अपने जीवन के समस्त कार्यकलापों को श्री कृष्णार्पण जब तक न करें, तब तक वह ऊर्ध्व लाइन हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो सकता। श्री कृष्ण से विमुख जो जीवन है वह है वो परम शून्य। इसलिए मानव जीवन की उपादेयता क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतद पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये भोजन करना, शयन करना, भयभीत होना और संतति उत्पन्न करना, ये तो पशुओं में भी पाया जाता है, किंतु धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष,
हम मनुष्य केवल इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ कहलाते हैं क्योंकि हमारे जीवन में धर्म होता है। तो प्रश्न उठता है कि वो धर्म क्या है? तो धर्म है श्री कृष्ण की वाणी ही तो धर्म है, श्री कृष्ण का कानून ही तो धर्म है, श्री कृष्ण का बनाया हुआ विधान ही तो धर्म है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, वेद प्रणीत तो धर्मो हे धर्मो तद विपर्यय। वेद प्रणीत तो धर्मो, वेदों में जिन कार्यों को करने का विधान है उसी को परम धर्म माना गया है। नारायण परा वेदा देवा नारायण गजा, श्री नारायण ने जिन कर्मों को करने का आदेश दिया वो धर्म है और जिन कार्यों को करने का निषेध किया वो अधर्म है। और इसलिए हम पशुओं से श्रेष्ठ माने जाते हैं। क्यों? हम मनुष्य यदि पशुता का कार्य करें तो हम पशु से भी हीन क्यों माने जाते हैं? उसका कारण है क्योंकि आप ध्यान दीजिए, पशु 84 लाख योनियां कर्म से भोगते हैं और एक एक योनि भोग कर उत्तर उत्तर मनुष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यानी 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य बनेंगे और आप पहले से मनुष्य बन चुके हैं और आप मनुष्य बनकर पशुता की ओर जाएंगे तो ये उन्नति होगी या अवनति होगी? तो हम अपने आत्मा का हनन क्यों करें? इसलिए भगवत प्रेम की उपलब्धि, कृष्ण प्रेम की उपलब्धि ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। परम धाम जाना ही हमारे एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए वैष्णवों के जीवन में प्रेम को नापने का पैमाना होना चाहिए। जैसे दूध को हम लीटर से मापते हैं, कपड़े को मीटर से मापते हैं, ऐसे भगवत प्रेम को मापने के लिए त्याग वो पैमाना है। यानी संसार के विषय और भोगों का चिंतन न हो, इनका त्याग हो और मन कृष्ण प्रेम अनुरागी बने। जब तक हम संसार के समस्त विषयों को कृष्णार्पण न कर दें, हमारा ध्यान केवल कृष्ण की ओर होना चाहिए, तभी प्रेम प्रबल होगा। तो ये हमारे जीवन में त्याग शांति निरंतरम, ये संसार की आसक्ति से जब तक हम अपने मन को उपरत नहीं करेंगे तब तक वैष्णवों के जीवन में ध्यान दीजिएगा 5 निष्ठाओं का होना अनिवार्य है। ये 5 वैष्णव निष्ठा कौन कौन सी? ये जो भगवत प्रेम उपलब्धि है इसके लिए वैष्णवों के जीवन में 5 निष्ठा। नंबर 1 तिलक निष्ठा, नंबर 2 कंठी निष्ठा, नंबर 3 प्रसाद निष्ठा, नंबर 4 एकादशी निष्ठा और नंबर 5 नाम निष्ठा। तिलक निष्ठा का मतलब होना चाहिए प्रत्येक वैष्णव को ललाट पर तिलक धारण करना चाहिए। इसका हमारे गौड़िया संप्रदाय में अर्थ होता है 2 उर्द्व लकीर और उसके नीचे तुलसी पत्र, अर्थात जो वामांग में जो उर्ध्व लकीर है वो है किशोरी जी का चरण और दाहिनी ओर जो लकीर है वो है गोविंद के चरण है। ये दोनों चरण जब मिल जाते हैं तो बन जाते हैं श्री गौरांग महाप्रभु, यानी राधा कृष्ण मिलत तनु का प्रेम। इसलिए तिलक जब हम लगाते हैं तो हमारे अंतःकरण में गौर प्रेम नित्यानंद का प्रेम प्रकट हो जाता है। और नंबर 2 कंठी, ये कंठी क्या है? ये कंठी है हम गोविंद के चिन्हित दास हैं, हम ठाकुर जी के साथ हमारा संबंध प्रकट करता है। कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरो नाम, गले राम की साकरी जित खींचे तित जाम। क्या कह रहे हैं? कबीरा कुत्ता राम का, मैं तो राम का कुत्ता हूं, मोतिया मेरो नाम, गले राम की सांकरी, ये कंठी तो गले में राम की सांकर है, जित खींचे तित जाम, जिधर राम जी खींचे उधर ही चल पड़े। ये होती है कंठी निष्ठा। ऐसे प्रसाद जीवन में जो कुछ भी पाना है केवल भगवत प्रसाद और एकादशी की निष्ठा, एकादशी प्रत्येक परिस्थिति में करना अनिवार्य है। और अंत में नाम निष्ठा, निरंतर चलते फिरते एक निश्चित संख्या में कम से कम एक माला भी कम ना हो, चाहे वो 16 माला हो अथवा 32 अथवा 64, एक निश्चित संख्या में हम नामनिष्ठ बने। कोई बहाना ना करें नाम जपने से, किंतु वो नामनिष्ठ तब करें जब नाम जपते हुए हम भगवान श्री कृष्ण के लिए हमारा चित्त द्रवीभूत हो, हृदय पिघले और नेत्र सजल हो, तभी हमारा नाम जप सफल होगा। जय जय श्री राधेश्याम।